बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जो बल होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों न्यूटन। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है दबाव या दाब का ऐसा ही मात्रक, जो दाब होता है प्रेशर उसको इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। आगे वाला क्वेश्चन है शक्ति, जो शक्ति होती है इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोट, यानी शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोट। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, जो करंट होती है करंट का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, जो आवेश होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलोम। कूलोम विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलोम। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का जो ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों चाल का ऐसा ही मात्रक, जो चाल होती है उसका ऐसा ही मात्रक होता है ध्यान में रखना मीटर पर सेकेंड। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कार्य का ऐसा ही मात्रक, जो वर्क होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है आपका जूल। जूल इसको जैसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक, जो धारिता होती है उसको विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों फैराडे। फैराडे आगे वाला क्वेश्चन है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज। इसको एच जेड से प्रदर्शित किया जाता है हर्ट्ज को। उसके बाद पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक, जो पृष्ठ तनाव होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन पर प्रति मीटर। न्यूटन पर मीटर या न्यूटन प्रति मीटर बात एक ही है। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब गुरु के चैनल को, यदि वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी करते रहिएगा, धन्यवाद। उसके बाद क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक, जो क्षेत्रफल होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है आपका ध्यान में रखना दोस्तों वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग मीटर। उसके बाद आयतन का ऐसा ही मात्रक, जो आयतन होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है घन मीटर। घन मीटर आयतन का ऐसा ही मात्रक। तो साइंस विद बजरंग आपके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है त्वरण का ऐसा ही मात्रक, जो त्वरण होता है एक्सीलरेशन, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। उसके बाद वेग का ऐसा ही मात्रक, जो वेग होता है उसका आपका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड वेग का ऐसा ही मात्रक। आगे वाला क्वेश्चन है ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक, इंपॉर्टेंट ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक होता है स्टे रेडियन दोस्तों, स्टे रेडियन होता है ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक, जो कोणीय वेग होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों ध्यान में रखना रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड या पर सेकेंड एक ही बात है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है जूल होता है दोस्तों, यानी कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, काम करने की क्षमता इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आने वाले वीडियो के लिए आप यदि इंतज़ार करते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, धन्यवाद आपका सपोर्ट।